राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पेंडिंग केस और बैकलॉग न्यायपालिका के लिए बड़ा चैलेंज है। जब रेप जैसे मामलों में कोर्ट का फैसला एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद आता है तो आम आदमी को लगता है कि न्याय की प्रक्रिया में कोई संवेदनशीलता नहीं बची है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कोर्ट में तत्काल न्याय मिल सके इसके लिए हमें मामलों की सुनवाई को आगे बढ़ाने के कल्चर को खत्म करना होगा। साथ ही राष्ट्रपति ने इस बात पर दुख जताया है कि साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी खुले घूमते हैं और जो पीड़ित होते हैं वो डर में जीते हैं। ये हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि उस मामले में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और निश्चत घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डरे से हमें रहते हैं, मानो उन्हीं विचारों ने कई अपराध कर दिया है। महिला पीड़िताओं की स्थिति और भी खराब होती है क्योंकि प्रायः समाज के लोग भी उनके साथ साथ नहीं देते। ऐसी स्थिति में बार बार तारीख देने यानी स्थगन की संस्कृति अर्थात कल्चर ऑफ अडजर्नमेंट से गरीब लोगों को जो कॉस्ट होता है उसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। साधारण में एक कहावत है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेरा है। लेकिन देर कितने कितने दिन तक, कितना देर हो सकता है? 32 साल, 12 साल, 20 साल, 10 साल, हम लोगों को सोचना चाहिए। तब तक जिसको न्याय मिलेगा 32 साल के बाद शायद उनके चेहरे से मुस्कान ही खत्म हो जाएगा। चित्रकूट में एक महिला ने प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर ब्लैकमेल कर गंभीर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला का कहना है कि डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया था और अश्लील वीडियो बनाया, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाया और शादी का झांसा देकर महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, फिर अपने 3 साथियों के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। इसके बाद बांदा के यूपी पुलिस के एक दरोगा पर भी शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। महिला ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ थाने में फरियाद देकर मुकदमा दर्ज कर दिया है। प्रथम दृष्टया यह भी पाया गया कि पहले उनके यहाँ ये काम करती थी, अब उसे काम से हटाया गया है। लेकिन यह भी बात आ रही है कि डॉक्टर से उसके रिलेशन थोड़े मधुर थे, लेकिन जिस तरह के उन्होंने FIR दिया है, जिस तरह का पूरा घटनाक्रम बताया है, यहाँ गए तो वहाँ भी, वहाँ गए तो वहाँ भी, ऐसे लोग, इतने लोग, यहाँ 2 शामिल हो गए, वहाँ 4 शामिल हो गए, वो थोड़ा घटना उस तरह की विश्वसनीय नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से डॉक्टर और इनकी निकटता ये प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो रही है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य के आधार पर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। संभल में भगवान सिंह हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पत्नी के साथ बाइक से घर लौट रहे लड़के की लुटेरों ने लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। मामला गांव गौरीपुरा का है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने चलती बाइक पर पत्नी का बैग लूट लिया था और लड़के को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर उसकी पत्नी पर अवैध संबंध में हत्या कराने का केस दर्ज किया है, लेकिन पत्नी निर्दोष निकली। अपनी पत्नी के साथ आ रहा था तब मोटरसाइकिल सवार कुछ युवकों द्वारा उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता द्वारा मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें पत्नी के और उसके कुछ साथियों पे आरोप लगाया गया था। इस संबंध में थाना धनारी पे मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी में ही घटना करने वाले व्यक्तियों की पहचान हुई। उसी के संबंध में आज एक व्यक्ति जिसका नाम रामगोपाल उर्फ भप्पल पुत्र मनसुख, जो निवासी ग्राम अकबरपुर थाना गुन्नौर है, को गिरफ्तार किया गया है।